कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक तरफ जहां अभिभावकों के मन में भय व्याप्त है, वहीं धीरे धीरे अब शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आ रही है। इसी बीच राज्य सरकार के निर्देश के बाद राजधानी रांची के विभिन्न निजी स्कूलों में क्लास 6 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं सुचारू संचालन को लेकर तैयारियां की गई थी और सोमवार से 6, 7, 8 की क्लासेस शुरू की गई है। गौरतलब है कि अगस्त महीने से ही 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएँ शुरू है। वहीं कुछ विश्वविद्यालयों में भी ऑफलाइन कक्षाएँ संचालित करना शुरू कर दिया है। पहले चरण के तहत राज्य सरकार ने 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं शुरू किया था, लेकिन अब धीरे धीरे जूनियर कक्षाओं का संचालन के लिए भी व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने का निर्देश दिया गया है और इसी निर्देश के तहत राज्य के कई निजी स्कूल सोमवार से 6, 7, 8 के बच्चों के लिए क्लासेस संचालित करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी भी सरकारी और कुछ निजी स्कूलों में व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं हो सकी है। ऑफलाइन का भी हम दोनों मोड में है, चूंकि सरकार का जो आदेश है कि ऑफलाइन में भी आप क्लास बच्चे को क्लास जो इच्छुक पेरेंट्स हैं जिन्होंने कंसेंट दिया हो ऑफलाइन भी क्लास लें और ऑनलाइन भी, हमारे दोनों मोड में चल रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन के क्लासेज और बेहतरीन तरीके से चल रहा है। आज हमने हालांकि बुधवार तक पेरेंट्स को दिया था कि बुधवार तक अपना कंसेंट दें, लेकिन अभिभावकों ने वो कंसेंट दिया और बच्चे को एक आग भेज दिया। 6 to 8 तक जो है बच्चे हमारे यहाँ आए हुए हैं और संख्या काफ़ी है। 75% बच्चे जो है 6 से लेके 8 तक के बच्चे, मतलब जो 9th to 12th की जो तुलना है उससे ज़्यादा संख्या में बच्चे जो है 6 to 8 में आए हैं। स्कूल प्रबंधकों ने जानकारी देते हुए कहा है कि जो बच्चे स्कूल आना चाहते हैं वही बच्चे स्कूल आ सकते हैं, इसके लिए फोर्स नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस संचालित हो रही है उसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस संचालित होगी। ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस की भी व्यवस्था दी जा रही है। ऑनलाइन क्लास में कि कभी फ़ोन नहीं रहा फिर बैलेंस खत्म हो गया तो उससे भी परेशानी होती है, नेटवर्क प्रॉब्लम, कभी बारिश हो गया उसकी वजह से। और ऑफलाइन क्लास में कि हम स्कूल आके और अच्छे से पढ़ाई करेंगे और समझ में भी ज़्यादा आता है। स्कूलों में कोई परेशानी है अभी? साफ सफाई की व्यवस्था सब कुछ है? सब कुछ है। किसी तरह का कोई परेशानी नहीं? सर